हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो वेरियस कम्पिटिटिव और इंट्रेंस एग्जाम में आता है और ऐसे एग्जाम्स में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और उसको सॉल्व करने में टाइम न लगाते हुए हम लोग ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन 8 राइज टू द पावर 1785 इज़ डिवाइडेड बाय 7 देन द रिमाइंडर इज़, मतलब ये है कि जब 8 राइज टू द पावर 1785 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये नंबर है 8 राइज टू द पावर 1785 और इसको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है, और हमको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग जो है इस तरह लिख सकते हैं, 8 राइज टू द पावर 1785 बाई 7। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, और इन दोनों नंबर का, यानी ये जो न्यूमरेटर है 8 राइज टू द पावर 1785 और ये जो डिनोमिनेटर है 7, दोनों का डिफरेंस अगर, ठीक है, 1 होगा, यानी न्यूमरेटर 1 बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, यानी जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं उससे बड़ा होगा ये नंबर, ठीक है, जिसको डिवाइड करना है, एक बड़ा होना चाहिए और उसका पावर चाहे कितना भी हो, ये पावर उससे कोई मतलब नहीं है, पावर कितना भी हो, सिर्फ इन दोनों में देखना है कि न्यूमरेटर एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है सो सिंपली बस लिख देंगे रिमाइंडर क्या होगा, 1 हमेशा, ठीक है, हमेशा रिमाइंडर 1 होगा। कब, किस सिचुएशन में, जब ये नंबर जो है न्यूमरेटर एक बड़ा होगा इस नंबर से जिससे डिवाइड करना है, नो मैटर इसका पावर कितना भी हो। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि लीजिए 8 राइज टू द पावर 99999, जितना भी लेना है ले लीजिए, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, यानी ये जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर, ठीक है, ये 8 राइज टू द पावर कुछ भी रहे और ये एक कम है इससे डिनोमिनेटर, ठीक है, तो ये एक बड़ा है न्यूमरेटर, एक बड़ा है तो रिमाइंडर इसका हो जाएगा 1, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर लें आसानी से। जैसे एक क्वेश्चन है 5 राइज टू द पावर 6666, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 4 से, ओके, तो इसका क्या होगा रिमाइंडर, इसका भी रिमाइंडर 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये 5 है, ये 4 है, 5 बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, एक बड़ा होता है 4 से, इसीलिए, ठीक है। अब एक नंबर मान लीजिए आपके पास 19 राइज टू द पावर 6678911, इस तरह से, ठीक है, और इसको डिवाइड करना हो 18 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये ट्रिक आप सीख गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी ट्रिक का यूज़ करके बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।